हे देवी मैया, एक भी पल ऐसा नहीं गुजरता जब जब हमारा जी नहीं घबराता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? बार बार उस राक्षस का ख्याल क्यों आता है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसके साथ कोई हिसाब बराबर करना बाकी, जैसे जैसे कुछ छूट गया है वहां पे। ये तो वैसे ही हुआ जैसे बचपन में हम खाने का डिब्बा स्कूल ले जाना भूल गए थे। पूरा दिन हम कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा क्या है देवी मैया? देवी मैया की मूर्ति, हम आप ही को भूल गए वहां पे। हेलो लावण्या, तुम अपना लगेज पैक कर लो, मैं गाड़ी भेज दूंगा, कल से तुम रायजादा हाउस में शिफ्ट हो रही हो। What? Are you serious, sir? I mean, मैं रायजादा हाउस में? अरे तुम्हारे घर? Oh God! मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। You know what, sir? मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। Good morning, sir. अच्छा, अब मुझे जल्दी से टिप्स दो कि मुझे घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या पहनूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है लावण्या, जैसी हो वैसी रहो। हाउ स्वीट है सर, तुम्हें मैं जैसी हूँ वैसी पसंद हूँ, है ना? हाँ, तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद। आई लव यू ये सर। लावण्या, अब मैं ऑफिस आ गया हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ सर? एक मिनट। यस सर। इस टेबल पे जो सामान है वो हटवा दो और जिसका है उसके घर भिजवा दो। सर ये तो खुशी मैडम का सामान है। हाँ तो भिजवा दो। जब ये काम हो जाए तो लावण्या के कैबिन से फाइल्स मुरादाबाद ऑफिस भिजवा देना और डिजाइन फाइल्स मुंबई के ऑफिस कुरियर कर देना। यस सर। घबरा मत खुशी, ऑफिस में कोई नहीं है, आज तो रविवार है और वो लॉर्ड गवर्नर तो बिल्कुल भी नहीं। अरे खुशी जी, आप यहाँ? हाँ, वो हम अपना सामान लेने आए थे। सामान? अच्छा, वो तो अर्नब सर ने आपके घर पहुँचाने के लिए कहा था। आज कोई लड़का आया नहीं तो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया। भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद करना जानते हैं और अपना सामान भी खुद ही ले जा सकते हैं। खुशी, मेरे केबिन में हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप हमें स्टोर रूम दिखा दीजिए। हे देवी मैया, अब इसमें हमारी क्या गलती है? आप तो जानती है ना, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। हमें क्या पता था कि वो लॉर्ड गवर्नर रविवार को भी लोगों को तंग करने के लिए घर से निकलता है। मूर्ति लेकर यहां से जल्दी निकल जाती हूं।
अपने आप को समझती क्या हो? हेलो, ओ आप? हाँ, हमने कल आपका फोन ट्राई किया था। हम तो ऑफिस में, हम तो यहाँ आप एक मिनट भी नहीं रहना चाहते। खुशी जी, ऐसा भी क्या काम आ गया कि आपको ऑफिस जाना पड़ा? बुआ जी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। खुशी जी, हमें आपकी हमेशा बहुत फिक्र रहती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी चिंता ना करें, इस बात की गारंटी तो हम नहीं दे सकते। अच्छा, वो हम जल्दी वापस आने की कोशिश करते हैं, आपकी बहुत याद आ रही है। जी? हमारा मतलब आप सब की। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। भागने के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? वैसे तो तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं होता, फिर अब क्यों ताला लगा है? उस दिन भी मैं तुमसे कुछ कह रहा था और तुम बिना सुने चली गई। मुझे ऐसी बदतमीजी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ खुशी कुमारी गुप्ता, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो चुपचाप खड़ी रहो और सुनो। हेलो चीची, मैंने कहा था ना मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लेट मी फिनिश। तुमसे नहीं खुलेगा, बेकार कोशिश करना छोड़ दो। हम नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए लोगों को यह बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमसे क्या होगा और क्या नहीं हम खुद समझ सकते हैं। सुन नहीं सकती पर करने से पहले सोच तो सकती हो कि क्या करना है। नहीं सुन सकती तो फिर आंखें बंद करके सर दरवाजे पर मारते रहो। हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं और निकल के रहेंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।